किसानों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या नए कृषि कानूनों पर स्टे संभव है, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने क्या बनाई रणनीति, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप नाइन खेती सुप्रीम। किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कल इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त कमेंट किए, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप कानून को होल्ड क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि किसानों के प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे, आंदोलन में कभी भी हिंसा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कानून रोकेंगे तो क्या किसान रास्ता छोड़ देंगे। रोक लगाने की उन्होंने कहा, हम इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाएंगे, कमेटी का गठित करेंगे, कमेटी के नाम हम पूछेंगे, सुझाए जाएंगे, आप लोग भी नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के वकील से कहा कि किसानों से जाकर कहें कि वापस लौट जाइए। सीजीआई ने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को घर वापस लौट जाना चाहिए। इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाएंगे, कमेटी का गठित करेंगे, कमेटी के नाम हम पूछेंगे, सुझाए जाएंगे। किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से समिति बनाने के लिए नाम मांगे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक नाम सौंप दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि आंदोलन से हर रोज 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस दौरान दूध, फल, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आंदोलन से कच्चे माल की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की मांग की गई। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर कई विपक्षी नेताओं से बात की और संयुक्त रणनीति बनाने पर जोर दिया। विपक्षी दल के नेता संसद सत्र शुरू होने से पहले मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार दिल्ली में लेफ्ट के नेताओं से मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी पर चौथे कानून की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को एमएसपी पर चौथा कानून लेकर आना चाहिए, अगर एमएसपी से कम पर कोई भी खरीदेगा तो उसे सजा का प्रावधान जरूरी है। लोग इसके खिलाफ हैं, ये किसान के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कोर्ट ने सरकार की नाकामी पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा में नए कृषि कानूनों पर सियासत तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार 26 जनवरी तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इस पत्र को उनका विधायक पद से इस्तीफा माना जाएगा। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।